हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद परमजीत कौर। टुडे वी विल रीड अ पोएम वंस अपॉन अ टाइम, रिटन बाय गैब्रियल ओकारा। बच्चे वंस अपॉन अ टाइम जिद्दां तुसीं स्टोरियां दे विच पढ़दे आ कि एक बार दी गल है, पोएम दा नाम की है, एक बार दी गल है, एक समय की गल है। किहड़े समय की गल करदा है पोएट, उस दे बारे दे विच पोएट ने इहदे विच लिखिया है गैब्रियल ओकारा ने। तां बच्चे इस पोएम दे विच की है जी, एक तां इहदे विच स्टायर कीता गया, स्टायराइज ऑन द आर्टिफिशियल बिहेवियर ऑफ मॉडर्न मैन। स्टायर है पोएम दे विच, एक तरह नाल पूरा जिद्दां कहिंदे कटाकश को कसिया जांदा है, किसी आदमी ते स्टायर किया जाता है कि जिहड़ा अजकल दा मनुख है, मॉडर्न मैन है, उहदा बिहेवियर है जिहड़ा आर्टिफिशियल हो गया, बनौटी ढंग तरीके उहने जीउण दे सिख ले। दूसरा जी, कंपेयर्स बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स। इस दे विच कवि है जिहड़ा उह कंपेयर करदा है पास्ट दा जिहड़ा ह्यूमन बीइंग सीगा ते प्रेजेंट दे विच, कि हुण ते जिहड़ा पुराना मनुख सीगा उहदे विच बहुत अंतर आ गया। जिवें बच्चे आपां एक पोएम पढ़ीए पंजाबी दे विच वी, पुराने पंजाब नूं आवाजां, प्रोफेसर पूरन सिंह दी, उहदे विच वी पोएट ने इही गल कीती सीगी कि जिहड़ा पुराना पंजाब सी उहदे विच किन्ना वधिया सी, उहनूं वापस लैके आउणा चाहीदा। उसे तरह दी इह वी पोएम है बच्चे, कि जिहड़ा पहलां सी मेरा पास्ट सीगा उह बहुत वधिया सी, जिहड़ा हुण प्रेजेंट दे विच असीं जिउ रहे हैं कि सारा कुछ बनावटी सिख लिया सी, ना चाहते हुए भी मतलब दिलों असीं खुश नहीं हुंदे, सिर्फ उपरों उपरों हसदे हैं, साडा हासा बनौटी हो गया। इदां दीआं गल्लां जिहड़ीआं नेगीआं इस पॉइंट दे विच असीं पढ़ांगे। अगला हैगा जी, हिपोक्रिटिक बिहेवियर ऑफ मॉडर्न मैन। जिहड़ा अज दा मनुख है उहदे बिहेवियर दी गल कीती है कि उह किवें दी जिंदगी चाहुंदा है। द पोएट हिमसैल्फ हैज सीन अ चेंज इन हिज ओन बिहेवियर। पोएट है जिहड़ा अपने आप दे विच वी देखदा है कि मेरा बिहेवियर किन्ना चेंज हो गया, जो मैं बचपन दे विच सीगा वह मैं हुण नहीं रहा, कि हुण मैं कई तरह के मुखौटे मतलब अपने जिहड़ा चेहरा उत्ते पा ले ने, तां वह बिहेवियर अपने दे विच वी देखदा है कि मेरे बिहेवियर दे विच किन्नी चेंज आई है। अगला हैगा जी, ही सीज इनोसेंस एंड प्योरिटी इन हिज सन्स नेचर। वह अपने बेटे की नेचर के विच देखदा है कि मेरे बेटे की नेचर है जिहड़ी, बेटे का सुभाव है वह किन्ना इनोसेंस है, किन्ना भोला पण है उहदे बिहेवियर दे विच, और एक तरह नाल प्योर सोल है, मतलब मन का पूरा साफ है, वह अंदरों बाहरों एक है। कि जिहड़ा मैं पॉइंट सोचता है, जिहड़ा मेरा बिहेवियर है, अंदर मैं कुछ होर है, बाहर कुछ होर है, दिखावा कर रहे हैं, पर जिहड़े उहदे संतन नेचर है, उहदे बेटे का सुभाव है, वह बिल्कुल प्योर है, जो अंदर है उहदे उही उहदे बाहर चलता है। नैक्सट हैगा जी, एंड वॉन्ट्स हिज सन हैल्प हिम गैट बैक हिज बेसिक नेचर। तो वह चाहता है अपने बेटे तो, मतलब बेटे को कहता है कि मैनू उदा का सिखा दे कि जो मैं बचपन में सीगा वह मैं हूँ भी उस तरह का बन जा, मतलब पॉइंट चाहता है कि मैं जिहड़े मुखौटे पाए हुए ने उन्होंने उतार के जो मैं बचपन दे विच सी, मतलब मेरा अंदरों बाहरों इको जिहा बिहेवियर दिखना चाहता है। तो इस पॉइंट दे विच असीं इह पढ़ांगे बच्चे, ये मतलब पॉइंट्स ने जिहड़े साडे सामने आउंदे आ इस पॉइंट नूं पढ़ के। लैट अस रीड द पॉइंट। वंस अपॉन अ टाइम सन, दे यूज टू लाफ विद देयर हर्ट्स एंड लाफ विद देयर आईज, बट नाउ they only laugh with their teeth, while their eyes block cold eyes search behind my shadow। की कह रहे इत्थे, अपने बेटे नूं कह रहे, कहिंदा एक बार दी गल है मेरे पुत्तर, they used to laugh with their hearts, ओह की करदे सीगे, अपने दिलों हसदे सी, कौन जिहड़े मनुख सीगे आदमी सी ओह की करदे सी, अपने हर्ट तो मतलब अंदरों खुश हुंदे सी ओह, एंड लाफ विद देयर आईज, तो उन्होंने अखा के भी हासा दिखता सी, अखा तो भी वह खुशी सी जिहड़ी झलकदी सी कि वह दिलों खुश ने, बट नाओ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, पर हुण की है,
सिर्फ अपने दंदा नाल हसते है, दिखावा करते हैं कि अंदरों कोई खुश नहीं हुंदा, सिर्फ उपरों उपरों हस के दिखा रहे हैं। वाइल देयर आईज ब्लॉक कोल्ड आईज सर्च बिहाइंड माई शैडो, की है कहिंदा हुण उन्हां दी अखां दे विच की ने, आईज ब्लॉक कोल्ड आईज है, रुखापन है उन्हां दी अखां दे विच, अखां तो उन्हां दी खुशी जाहर नहीं हुंदी, यह लगता है अखां तो देखण नूं कि उपरों उपरों हसण दा जिहड़ा दिखावा कर रहे ने। और कहिंदा उन्हां अखां दे पिछे मतलब की हुंदा है, बर्फ की तरह ठंडिया ने अखां, बर्फ की तरह ठंडिया मतलब उन्हां च कोई फीलिंग्स नहीं है, विदाउट फीलिंग्स है। देयर वॉज अ टाइम इन डीट दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हर्ट्स बट दैट हैज गॉन सन, नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हर्ट्स वाइल देयर लेफ्ट हैंड्स सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स। की कह रहे हैं, कहिंदा वो टाइम ही हुंदा सी, वो समा सी जदों कहिंदा लोग की करदे सी, यूज्ड टू दा मतलब बच्चे पास्ट दे विच जो काम वह करते सीगे, यूज टू टू सीगे वह करन दे, कहिंदा वह की हैगा अपने शेक करते सी हैंड, एक दूजे नाल हाथ मिलाते सी पर दिलों मिलाते सी, मतलब उन्हां च फीलिंग्स सीगियां रिश्तियां दी, जो कह लो उन्हां दे विच निग सी रिश्तियां दे विच कि वह दिलों एक दूसरे नाल हाथ मिलाते सी, बट दैट हैज गॉन सन, पर वह सारा चलिया गया, खत्म हो गया, हुण नहीं है। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हर्ट्स, हुण की करते ने, हाथ मिलाते ने बिना दिलों, कोई उन्हां च फीलिंग नहीं है, फीलिंग लैस है। While their left hand search, एक पासे तो कहना वो हाथ मिला रहे होंगे ने, तो दूसरे पासे की है माई एम्प्टी पॉकेट्स, उन्होंने हाथ होंगे कि मेरिया जेबा फ्रोलन से, कि किसी तो मतलब एक पासे हाथ मिला रहे हैं, दूजे पासे देखते हैं कि उसके कोल कितना पैसा है, ठीक है, अकॉर्डिंग जिहड़ी इज्जत मान की जाती है, एम्प्टी पॉकेट्स नूं कहिंदा फ्रोलदे ने, दूजे पासे की है वो मेरे तो पैसा खोना चाहते हैं। फील एट होम कम अगेन दे से, एंड वैन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस ट्वाइस देयर विल बी नो थ्राइस फॉर देन आई फाइंड द डोर शट ऑन मी। देखो कितना वधिया कह रहा है, कहिंदा जदों जाने हैं असीं तो जदों मतलब असीं किसी दे घर मिलन जाने हैं तो सानूं कहिंदे ना कि दोबारा फिर आना तुहाडे मिल के बहुत चंगा लग्या, कहिंदा कहिंदे तां इदां ही है, फील एट होम कम अगेन कि अपना ही घर समझो दोबारा फिर आना, पर कहिंदा जदों दोबारा जाने हैं वैन आई कम अगेन दोबारे जाने हैं, फील एट होम अपना घर समझ के कि अपना ही घर है समझ के दोबारा जाने हैं, तो एक दो बार वंस और ट्वाइस, एक दो बार तो कहना चंगा स्वार्थ होंगे चंगा मानते हैं, और जो तीसरी बार चले जाए देयर विल बी नो थ्राइस, पर तीजी बार कोई नहीं मानता हैगा भी अपने घर है। फॉर दैन आई फाइंड द डोर शट ऑन मी, कहना फिर की है सानू जो तीजी बार जाइए तो घर दरवाजा ही बंद होगा, ऐदा ही होंगे ना कई बार कह देंगे कि हाँ जी रोज रोज ही आया रहा है, तो कह दो जी असं घर नहीं है बहर है कितने, है ना, कई बार ऐदा की थिंकिंग है लोगों की बनी हुई है। सो आई हैव लर्न मैनी थिंग्स सन, आई हैव लर्न टू बीयर मैनी फेसिस लाइक ड्रेसिज, होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, हॉस्ट फेस, कॉकटेल फेस, विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स लाइक अ फिक्सड पोर्ट्रेट स्माइल। की है कहिंदा सो आई, इस करके कहिंदा मैं बहुत तरह के जिहड़े सिख लिया ने चीजा, आई हैव लर्न मैनी थिंग्स, कहिंदा मैं भी बहुत सारिया चीजा इदा दियां सिख लिया कि किदां दा किसी नाल बिहेव करना है, अपने बेटे नूं दस रहा, आई हैव लर्न टू बीयर मैनी फेसिस, कहिंदा मैं बहुत सारे चेहरे मुखौटे पहनने सिख ले, किदां दे, कहिंदा जिवें ड्रैसिज हुंदियां ने, ड्रैसिज जदों असीं घर जाने होर ड्रैस पाउणे आ, ऑफिस जाने होर ड्रैस हुंदी है, है ना, कहिंदा उसे तरह ड्रैसिज की तरह मैं भी अपना जिहड़ा फेस ने बनाने सिख ले ने, मुखौटे पहनने सिख ले, जदों मैं ऑफिस जाना तो मेरा होर चेहरा हुंदा है, ठीक है, तो जदों कहिंदा मैं घरे हुंदा तो मेरा होर चेहरा हुंदा है, गली दे विच किसे नूं मिलदा है तो मेरा चेहरा होर होगा, स्ट्रीट फेस है उन्हां नूं हस के मिलदा है ना, होस्ट फेस जदों कोई मेहमान आउंदा तो मेरा चेहरा होर हुंदा है, कॉकटेल फेस किसी पार्टी दे विच जाना है तो मेरा चेहरा होर होएगा, ऐदा ही हुंदा ना, जदों असीं ऑफिस दे विच देखो किसी नाल वड्डे नाल गल करदे आ तो असीं बहुत पोलाइटली गल करदे आ, आपस च करदे आ लड़ाई झगड़ा भी करदे आ, वह फेस पाउण लैंदे आ असीं, तो इस तरह के कहना मैं फेस है जेड़े वो बनाने सीख लिया, मतलब वक्रे वक्रे चेहरे है जेड़े अपने मुखौटा ही पहनया हुआ, कहना अज के मनुख ने अपने चेहरे के उपर तो उस तरह का वो चेहरा बना लेंदा है जिदा की सिचुएशन होंगी है। विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स लाइक अ फिक्सड पोर्ट्रेट स्माइल, कहना ये की होंगे जिमें एक फिक्स पोर्ट्रेट स्माइल बना ली,
ਕਿ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਲਰਨ ਟੂ ਲਾਫ ਵਿਦ ਓਨਲੀ ਮਾਈ ਟੀਥ ਐਂਡ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡਸ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਈ ਹਰਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਟੂ ਟੀ ਡਬਲ ਓ ਟੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਲਸੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਟੂ ਲਾਫ ਵਿਦ ਓਨਲੀ ਮਾਈ ਟੀਥ, ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਸਣਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਸਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡਸ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਈ ਹਰਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲੋਂ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਲਰਨ ਟੂ ਸੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਵੈਨ ਆਈ ਮੀਨ ਗੁੱਡ ਰਿਡੈਂਸ, ਟੂ ਸੇ ਗਲੈਡ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ ਵਿਦਆਊਟ ਬੀਂਗ ਗਲੈਡ ਐਂਡ ਟੂ ਸੇ ਇਟ ਹੈਜ ਬੀਨ ਨਾਈਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਆਫਟਰ ਬੀਂਗ ਬੋਰਡ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਗੁੱਡ ਰਿਡੈਂਸ, ਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗਿਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁੱਡ ਰਿਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਟੂ ਸੇ ਗਲੈਡ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਵਿਦਆਊਟ ਬੀਂਗ ਗਲੈਡ, ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਟੂ ਸੇ ਇਟ ਹੈਜ ਬੀਨ ਨਾਈਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਆਫਟਰ ਬੀਂਗ ਬੋਰਡ। ਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਈ। ਬਟ ਬਲੀਵ ਮੀ ਸਨ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਬਟ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਖੌਟੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਨੋਸੈਂਸ ਲਾਈਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਵਟ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਨਲਰਨ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਮਿਊਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ ਭਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਲਾਫ, ਫਾਰ ਮਾਈ ਲਾਫ ਇਨ ਦਾ ਮਿਰਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਓਨਲੀ ਮਾਈ ਟੀਥ ਲਾਈਕ ਅ ਸਨੇਕਸ ਵੇਅਰ ਫੈਂਗਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅਨਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਊਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਖੰਡ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਲਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੀਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਊ ਟੂ ਲਾਫ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਣਾ, ਅਸਲੀ ਹਾਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਾਰ ਮਾਈ ਲਾਫ ਇਨ ਦਾ ਮਿਰਰ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੋਜ਼ ਓਨਲੀ ਮਾਈ ਟੀਥ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ, ਹਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਕ ਅ ਸਨੇਕਸ ਵੇਅਰ ਫੈਂਜ, ਔਰ ਹਾਸਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਥ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਸੋ ਸ਼ੋ ਮੀ ਸਨ ਹਾਊ ਟੂ ਲਾਫ, ਸ਼ੋ ਮੀ ਹਾਊ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਲਾਫ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ ਵਨਸ ਅਪੋਨ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ ਲਾਈਕ ਯੂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਹਾਊ ਟੂ ਲਾਫ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੋ ਮੀ ਹਾਊ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਾਈਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਵਨਸ ਅਪੋਨ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਐਂਡ ਗਿਵ ਆਨਸਰਸ ਆਫ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।